नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने आज पटना में विधानसभा मार्च आयोजित किया है। राज्य भर से बीजेपी नेता आज पटना पहुंचे हैं। पार्टी ने शिक्षकों और बेरोजगारों से भी नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। इनकी झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। 10 लाख का नौकरी का वादा कहां गया? पहली कैबिनेट में समान काम का समान वेतन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये सारे झूठ झूठ बोलने वाली की जमात है। लोगों को भरमाने वाला, उन्माद पैदा करने वाला, भ्रष्टाचार अपराध लाने वाले की जमात के विरुद्ध सदन से सड़क तक लड़ेंगे। लेकिन भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया, जितना दमन करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी लोक नायक के सपना को साकार करेगा। ये आपातकाल लाने वाले, ये भ्रष्टाचारियों से बिहार को मुक्त कराएंगे। उल्टे जो ये भी वादा किया गया था कि जो शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा, क्या हुआ उस वादे का? सरकार लगातार अपने वादे से भाग रही है और ये सरकार अपना वादा निभाने के बजाय लोगों पर लाठी बरसा रही है, लोगों पर जुल्म कर रही है। आज विधानसभा का मार्च जहां शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए, वहां नौजवानों के रोजगार के सवाल पर भारी मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। अरे भाई, जब कांग्रेस के सत्ता के नशे को हम लोगों ने झेल लिया, ये नुंज पुंज सरकार के पुलिस से कौन डरने वाला है? स्वाभाविक है, हमने जो निर्णय लिया, हमारी पार्टी जो निर्णय लिया है, हम निर्णय पार्टी। निश्चित रूप से हम लोगों का विधानसभा मार्च निकालने का कारण है कि हमारी बिहार की जनता त्रस्त है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दा पे, चाहे हमारे शिक्षक जो हैं, शिक्षक कर्मी, आज जो बहाली की प्रक्रिया आई है, अब सीधे सीधे आप कहते हैं जो 20 साल 25 साल काम किया उसको कहते हैं कि नियोजित शिक्षक है, ये जो है वो नगर पालिका और पंचायत समिति से है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। उसके अलावा जो कल जो लाठी चार्ज हुआ, इसके ऊपर किसान सलाहकार के ऊपर, हम कृषि राज्य देश हैं और उसमें ये हालत हो रही है। एक तरफ से भ्रष्टाचार देखिए तो 1700 करोड़ का जो है वो पुल गिरा और उसमें भी आज तक कोई CBI की जांच या किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो रही है, तो ये भ्रष्टाचारी सरकार को कितना दिन रखिएगा? और आज कहीं भी हर जगह लूट पाट, आप डकैती, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, आपके शहर में हम कह रहे हैं, पटने के भीतर कह रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी मार्च करेगी। पुलिस का विशेष बल को भी लगाया गया है विधानसभा, लगाने से क्या होगा? उससे कोई डर नहीं है। यहाँ जो जनता के बाजू में जो ताकत है, वो जितना भी पुलिस लगा लोगे उससे कोई डर नहीं है। जी, संजय जी, 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 जी,